Hey guys, I hope you are doing well in your studies and uh, as usual I uh, upload videos for practicing question papers for uh, GSE lecture exam. So in this series, here is one more video today. So now let's start the video. Before starting the video, I would like to request you if someone is watching my channel first time and haven't subscribed till this time, so do subscribe and press the bell icon also and like the video also. सो नाओ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन अर्स फॉर्म यूजिंग स्टेंजा ऑफ एट लाइन्स ईच विथ इलेवन सेलेबल्स इज नोन एज अवर्स फॉर्म यूजिंग स्टेंज ऑफ एट लाइन्स ईच विथ इलेवन सेलेबल्स एट लाइन के स्टेंजा को जो वर्स में एट लाइन का स्टेंजा होता है और उसमें इलेवन सेलेबल्स ईच विथ इलेवन सेलेबस और उसमें इलेवन सेलेबल्स होते हैं नोन एज ओटेवर रैमा ओटेवा रिमा के नाम से जाना जाता है वॉट इज़ वर्ड्सवर्थ ओनली प्ले आर आ वर्स ट्रेजडी हम जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम ही लिखी हैं बट एक उन्होंने प्ले भी लिखा हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थस को हम रोमांटिक पोएम्स के लिए ही फेमस हैं जाने जाते हैं रोमांटिक बहुत ही बड़े पॉइंट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ तो लेकिन इन्होंने एक प्ले भी लिखा है और ये एक वर्स ट्रेजिडी है उसका नाम है द बॉर्डरस एंड डिस प्ले द बॉर्डरस रोड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ बिटवीन सेवनटीन हंड्रेड नाइन्टी फाइव टू सेवनटीन नाइन्टी सेवन सत्रह सौ पंचानवे से सत्रह सौ सत्तानवे के बीच में ये प्ले वर्स ट्रेजिडी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी द बॉर्डर्स नेक्स्ट क्वेश्चन हु कोलाबोरेटेड विद शेक्सपियर इन हिज वर्क हेनरी एर्थ हेनरी एर्थ विलियम शेक्सपियर का प्ले है और ये एक हिस्टोरिकल प्ले है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा हुआ हैनरी एर्थ हिस्टोरिकल प्ले है इसको याद रखना है हैनरी एर्थ है ये क्योंकि कई बार ऑप्शन में कन्फ्यूजन uh, क्रिएट करने के लिए दे दिए जाते हैं हैंनरी सेकेंड है कि एडवर्ड सेकेंड है क्या एडवर्ड सेकंड मार्लो का है ट्रस्डी लॉर हेनरी एर्थ विलियम शेक्सपियर का हिस्टोरिकल प्ले है और जिसमें कि उनको किसने कोलाबोरेट किया था हु कोलाबोरेटेड विथ शेक्सपियर इन हिज वर्क हेनरी एर्थ जॉन फ्लैचर जॉन फ्लेचर ने कोलाबोरेट किया था हु इन्वेंटेड स्प्रंग रिदम स्प्रंग रिदम किसने इन्वेंट की थी तो स्प्रंग रिदम रिदम वॉज इन्वेंटेड बाय हॉपकिंस जिरा हॉपकिंस हॉपकिंस ने इन्वेंट किया था स्प्रंग रिदम को क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ स्पेंसेरियन सोनेट स्पेंसरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेंसरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम और शेक्सपियर सोनेट की राइमिंग स्कीम तो फ्रेंड्स शिक्षपियन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है वो जी जी पर इंड होती है और मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया हुआ है दोनों राइमिंग स्कीम को साथ में लिख करके कैसे उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है माइंड में सेट करना है तो ये स्पेंसरियन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होती है विनो वेरिएबल सोनेट की जब पोएम ऑफ फोर्टीन लाइन्स फोर्टीन लाइन्स की पोएम होती है तो हमें फिंगर्स इनको काउंट करके एकदम माइंड में सेट करना है ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी और ई e, e. ये है स्पेंसरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम और शेक्सप्रिय सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी ये होती है सिक्सपियन सोनेट की राइमिंग स्कीम नेक्स्ट है जॉन गॉल्सवर्दीज फर्स्ट नोवेल इज जॉन गॉल्सवर्दी का फर्स्ट नोवेल क्या था तो फर्स्ट नोवेल था उनका जॉकलैन जे ओ सी एल वाई एन जॉकलैन वॉज द फर्स्ट नोवेल ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड शेयर करें साथ ही साथ ताकि और लोगों को भी बेनिफिट्स मिल सकें इनका विच वर्क ऑफ जॉन कीट्स एज इज़ डेडिकेटेड टू थॉमस चटर्टन थॉमस चटर्टन को थॉमस जॉन कीट्स ने अपना कौन सा वर्क डेडिकेट किया है का तो बहुत ही बड़ा वर्क है ग्रेट वर्क है इंडी जिसने उनको बहुत फेमस बनाया जॉन कीट्स को तो इस वर्क को उन्होंने थॉमस चटर्टन को डेडिकेट किया है नेक्स्ट क्वेश्चन विच हिस्टोरिकल इवेंट डज़ कवर द नावल अ टेल ऑफ़ टू सिटीज़ अ टेल ऑफ़ टू सिटीज़ चार्ल्स डिकन्स का हिस्टोरिकल नावल है ये तो इसमें किस हिस्टोरिकल इवेंट को कवर किया गया है तो इसमें कवर किया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन को अ टेल ऑफ़ टू सिटीज़ में एक ये हिस्टोरिकल नॉवल है चार्ल्स डिकन्स का और इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन को कवर किया गया है अब इसमें टेल ऑफ़ टू सिटीज टेल होता है स्टोरी तो दो शहरों की कहानी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन से टू सिटीज़ की इसमें बात होती है इस नॉवल में तो कमेंट करके बताएं अपने आंसर्स को कमेंट में लिखें फ्रेंड्स ये वीडियोस हेल्पफुल हैं अगर जूनियर एडेट का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उन सभी के लिए जूनियर एडेट टी जी टी पी जी टी एल टी के वी एस एन वी एस के जो टी जी टी पी जी टी के एग्ज़ाम होते हैं और जी ऐसी लेक्चर तो इन सभी एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है मिल्टन फर्स्ट डायडेक्टिक पोएम विथ अ प्यूरिटन फिलासफी इज मिल्टन की जो फर्स्ट डायडेक्टिक पोयम थी प्यूरिटन फिलोसफी को लेकर वो क्या थी कॉमर्स कॉमर्स थी और कॉमर्स एक मास्क था और जो कि पब्लिश हुआ था सिक्सटीन थर्टी फोर में सिक्सटीन थर्टी फोर में ये मास्क कॉमर्स आया था हुज पीरियोडिकल इज रैम्बलर रैम्बलर किसका पीरियोडिकल है सैमुअल जॉनसन का सैमुअल जॉनसन का पीरियोडिकल रैम्बलर है एक्चुअली ये रैम्बलर वॉज अ पीरियोडिकल पेपर पब्लिश्ड इन सेवनटीन फिफ्टी सेवनटीन फिफ्टी वन सेवनटीन फिफ्टी टू इस तरीके से कॉन्टिन्यूस थ्री ईयर्स तक ये पब्लिश हुए थे पीरियोडिकल पेपर्स द रैम्बलर नाम से सेवनटीन फिफ्टी में सेवनटीन फिफ्टी वन में सेवनटीन फिफ्टी टू में उस समय का एक कॉन्टेम्प्रेरी पेपर था द रैम्बलर जो कि सैमुअल जॉनसन का पीरियोडिकल था और इसमें इट वॉज़ द कलेक्शन ऑफ टू हंड्रेड एट एसेज दो सौ आठ एसेज उसमें थे टू हंड्रेड एट एसेज थे हु इज़ द फाउंडर ऑफ रिवेंज मोटिव इन ट्रेजिडी ट्रेजिडी में रिवेंज मोटिव किसने ए, किसको फाउंडर माना जाता है रिवेंज मोटिव का कि ट्रेजिडी के अंदर जिसने रिवेंज को लाया तो आंसर है थॉमस किड थॉमस किड को माना जाता है फाउंडर ऑफ रिवेंज मोटिव इन ट्रेजिडी एंड विनो वेल थॉमस किड इज़ वन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स यूनिवर्सिटी विट्स में से एक है थॉमस किड व्हेन वॉज वर्ड्सवर्थ विजिटेड टिंटर्न एबे फर्स्ट टिंटर्न एबे सबसे पहले वर्ड्सवर्थ ने कब विजिट किया था सो द आंसर इज़ इन द समर ऑफ सेवनटीन नाइन्टी थ्री समर ऑफ सेवनटीन नाइन्टी थ्री में विलियम वर्ड्सवर्थ ने चिंट्रन ए को सबसे पहले विजिट किया था किस सीज़न में कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है किस सीजन में उन्होंने टिंट्रन ए को विजिट किया था समर विंटर स्प्रिंग तो आंसर होगा समर तो सेवेंटीन नाइन्टी थ्री के समर में उन्होंने टिनटन एवे को फर्स्ट टाइम विजिट किया था एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस कब गए थे क्योंकि तो फ्रांस के ही बाद वो फ्रांस विजिट करने के बाद जब वो लौटे थे तभी वो टिंटर नेवे गए थे तो फ्रांस वो सबसे गए थे सेवनटीन नाइन्टी में सबसे पहले उन्होंने फ्रांस वो सेवनटीन नाइन्टी में गए थे और फिर दिसंबर सेवनटीन नाइन्टी टू में वो वहाँ से वापस इंग्लैंड आए थे दिसंबर सेवनटीन नाइन्टी टू में इंग्लैंड वो वापस आए थे और सेवनटीन नाइन्टी थ्री के समर में उन्होंने टिटर नेवी को विज़िट किया था और टिंटर नेवी एक मठ है जिसे इंग्लैंड में भी है हु वॉज द फर्स्ट पॉइट लोरिएट ऑफ इंग्लैंड फर्स्ट पॉइंट ल्योरिएट ऑफ इंग्लैंड कौन है सो आंसर इज बेन जॉनसन बेन जॉनसन है फर्स्ट पॉइट ल्योरिएट ऑफ इंग्लैंड और इन ये कितने समय तक रहेवन रहे तक बेन जॉनसन पॉइट ल्योरिएट रहे इंग्लैंड की क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच बुक ऑफ बैकन इज फिलोसफिकल रोमांस बैकन का कौन सी बुक फिलोसफिकल रोमांस कही जाती है तो बैकन इज़ द फादर ऑफ़ इंग्लिश वी नो और सबसे पहले बैकन ने ही इंग्लिश में ऐसे लिखना स्टार्ट किए थे द न्यू एटलांटिस इज़ अ फिलोसफिकल रोमांस ऑफ बैकन बैकन का फिलासफिकल रोमांस द न्यू एटलांटिस बुक को कहा जाता है फॉर विच वर्क आर पोइट्री कलेक्शन निसिम एजिकल गॉड साहित्य अकादमी अवार्ड किस वर्क के लिए निसिम एजिकल को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया या किस उनके पोएट्री कलेक्शन के लिए ऐसे हम कह सकते हैं तो उनका पोएट्री कलेक्शन लैटर डे साम्स इज़ हिज़ फेमस पोएट्री कलेक्शन फॉर विच ही रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड निशिम एजिकल को उनके पोएट्री कलेक्शन लैटर डे साम्स के लिए साहित्य अकादमी अवॉर्ड दिया गया निशिम एजिकैल पर फ्रेंड्स मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है लिंक आपको उसका वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा इसलिए लास्ट तक वीडियो को वॉच कर उस लिंक पर जाकर निस्से मैजिक एल को लेकर के भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन उनको आप क्लियर कर लें नेक्स्ट है हुम डिड विलियम शेक्सपियर बोरो ऑफ द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी का फॉर्मूला विलियम शेक्सपियर ने किससे बोरो किया था सो रोमांटिक कॉमेडी का फॉर्मूला रॉबर्ट ग्रीन से उन्होंने फॉलो किया था रॉबर्ट ग्रीन से विलियम शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडी का कॉन्सेप्ट बोरो किया था नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी विट्स को लेकर के भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी विट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स थॉमस ग्री रॉबर्ट ग्रीन नास और केज और लिली इन सभी को लेकर के बनाया हुआ तो आप उस वीडियो को भी विजिट कर लीजिएगा वीडियो के लास्ट में उसका भी लिंक दे दूंगी और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको भी इसमें मैंने कवर किया हुआ है क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अगर आती है तो उसमें किसी भी राइटर्स को लेकर के कुछ ना कुछ क्वेश्चन थोरोली बन सकते हैं बहुत डीपली नहीं बट ओवरऑल जो कि एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि एक पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को पता होता है वो आ सकते हैं तो आप उनका रिविज़न कर सकते हैं उस वीडियो पर जा कर के नेक्स्ट इन हुज़ हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क डिड शेक्सपियर फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल फॉर हिस प्ले हेमलेट हेमलेट के लिए शेक्सपियर को बैकग्राउंड मटेरियल किस हिस्ट्री से मिलता है डेनमार्क की किस हिस्ट्री से मिलता है तो ये uh, मिलता है सैक्सोड ग्रामेटिकस डेनिस हिस्टोरियन और ऑथर थे इनका नाम याद रख लेना है डेनिस हिस्टोरियन डेनमार्क की हिस्ट्री से प्रभावित थी उनका उनका ये है हेमलेट प्ले तो इसका बैकग्राउंड मटेरियल शेक्सपियर को इन्हीं से मिला जो कि डेनिस हिस्टोरियन और ऑथर है साको ग्रामेटिकस सो फ्रेंड्स ये थे आज इस इस वीडियो के इन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई होप डेफिनेटली यू हैव लाइक दिस वीडियो आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा क्वेश्चन सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूव हुए होंगे आपको कुछ ना कुछ आपका नॉलेज इन्स हुआ होगा डेफिनेटली एंड सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया डू सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन प्रेस कर लें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो